बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची में पुलिस कर्मियों की बियर पार्टी हुई, मामले में पीसीआर 10 के एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। एएसआई सुधीर कुमार सिन्हा, हवलदार सुखदेव उरांव, सिपाही निरंजन सिंह और चालक सिपाही वीरेंद्र तिर्की को निलंबित किया गया है। चारों को ड्यूटी के दौरान शराब पीने और पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने सस्पेंड कर दिया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें वायरल हुई, कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान की ये तस्वीरें, जब सब कुछ बंद था तो बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों ने जबरन रेस्टोरेंट खुलवाकर वहां बियर पार्टी की। हमारे सहयोगी इमरान और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, पुलिस कर्मियों के बियर पार्टी की ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी, न्यूज 11 भारत ने भी इस खबर को दिखाया था और अब कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? देखिए, एक तस्वीर कल वायरल हुई थी जो कि रांची के रॉक गार्डन की थी, उसके गार्ड रूम में जो पीसीआर 10 के जो जवान और पदाधिकारी थे वो सभी लोग उस गार्ड रूम में पहुंचते हैं और खाना खाने के दौरान जो बियर का सेवन करते हुए नजर आते हैं। इस तस्वीर में साफ तौर से देखा जा रहा था कि कई लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जिसमें पीसीआर के एएसआई जो कि पदाधिकारी के रूप में मौजूद रहते हैं पीसीआर में, उसके अलावे चालक और सिपाही वहां पर मौजूद थे। तभी लोगों को यह देखा गया था कि सभी जो है वो बियर का सेवन कर रहे हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों तक पहुंची। पूरे मामले की जांच के लिए सदर डीएसपी के नेतृत्व में जांच का जिम्मा सौंपा गया। सदर डीएसपी ने जब पूरे मामले की जांच की तो सभी लोगों ने ये माना कि जो पीसीआर 10 के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने रॉक गार्डन के गार्ड रूम में पहुंच करके ना सिर्फ खाना खाया बल्कि वहां पर कई बियर की बोतलें और दूसरे शराब की बोतलें बरामद किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के ही थे, जो वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा था। ऐसे में उन तमाम पुलिसकर्मियों को रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है कि अपनी ड्यूटी को छोड़ करके अगर आपको लंच ही करना था, खाना ही खाना था, तो आप नॉर्मल खाना खा सकते थे, लेकिन उसके साथ शराब की सेवन करना कहीं ना कहीं कार्य पर जो है वो लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इसकी आरोप में सभी लोगों को निलंबित किया गया है, सभी पर विभागीय जांच भी कराई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया में लगातार कई खबरें जो है, कई जो वीडियो है वो वायरल हो रही थी, और यही वायरल वीडियो को ध्यान में रखते हुए रांची एसएसपी ने रांची के सदर डीएसपी प्रभात कुमार को जांच की जिम्मेवारी दी गई थी। प्रभात कुमार ने सभी पुलिस पदाधिकारियों से बुला करके उनसे पूछताछ की और उनसे जानकारी ली कि कौन शराब लेकर के पहुंचा था, क्यों उस जगह पे पहुंचे थे, रॉक गार्डन का जो गार्ड रूम है उसको खुलवाने के लिए कौन पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलीभगत थी और पूरा जो कार्य थी वो देखने के लिए मिला था। इसी रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने सभी को निलंबित कर दिया। जी, धन्यवाद इमरान इन जानकारियों के लिए।